कल घोषित लोकसभा एनडीए उम्मीदवार रणदीप राजभर ने आपने तीखा प्रकाश किया है। सपा ने कुछ काम नहीं किया, केवल आप अपने दो चार कामों को गिना दें। अब क्या कहा जाए बबुआ को, जिसका एक ही काम रहा है कि इस पार्टी में रखो उस पार्टी को गाली देना, उस पार्टी में रखो इस पार्टी में गाली देना। कम से कम हमने वो काम नहीं किया है कि समाज के सारे लोगों को गाली दिया है। जिनका काम ही गाली देना रहा, वो काम की बात करें, इससे बड़ा मजाक की बात क्या हो सकते हैं। मैं तो बड़ी विनम्रता से मंत्री जी को चुनौती देता हूँ, और थोड़ी सी भी नैतिक साहस हो, थोड़ी सी भी ताकत हो, तो किसी चौराहे को अपना टाइम और समय चुन लें और आकर बहस कर लें सबूतों के साथ कि मैंने क्या किया है, उनका क्या क्या है। उनका तो बस एक ही काम रहा है, गाली दो और पैरों पर गिरो, गाली दो और कान पकड़ के उठो बैठो, गाली दो और माफ़ी मांगो। जिसका एक ही काम रहा है वो काम की बात करें तो इसके बड़ा मजाक क्या हो सकता है। लगातार आप पे ये भी आरोप लगाते रहे कि आपके पास अब कुछ काम नहीं रह गया है, तो बैठे भगवान न करे वो काम मुझे करना पड़े जो वो उनके पिताजी कर रहे हैं, गाली देकर कान पकड़ के उठक बैठक कर रहे हैं। मेरा काम घोसी की जनता जानती है, और जब आप कहीं नहीं थे तो घोसी के लिए आपके समाज के लिए भी मैंने काम किया है। है नैतिक साहस, बताओ कि वहाँ क्यों नहीं गए, बताओ क्यों, जब लड़के पुकार रहे थे फ़ोन करके तो क्यों हाथ उठा दिया मंत्री पद पर रहते हुए, बताओ जब लड़के तुम्हारे समाज के मरे हुए थे तो क्यों नहीं गए, बताओ जब अनाथ हो रहे थे तो क्यों नहीं गए। नैतिक साहस हो, चुनौती देता हूँ, थोड़ी सी भी नैतिक साहस हो तो चुनौती को स्वीकार करो, नहीं तो बकवास बंद करो।